बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। आईपीएल साल 2023 का मुकाबला नंबर 34 खेला गया दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। ये मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी ही आसानी से 7 रन से अपना बना लिया। हैदराबाद की टीम एक बार फिर से मुंह की हैदराबाद की टीम ने खाई और लगातार बैक टू बैक हैदराबाद को हार झेलनी पड़ी। जीत के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में डेविड वार्नर आए जो अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और जंग जीत भी गए थे। तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में डेविड वार्नर ने बहुत सारी चीजों के बारे में खुलासा किया। सारी चीजें आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो देखिए, शुरुआत में डेविड वार्नर ने कहा कि यहां का जो क्राउड है, हैदराबाद का जो क्राउड है, वो हमेशा से ही उनको बहुत ज्यादा पसंद है और हैदराबाद के क्राउड को उन्होंने धन्यवाद करा कि वो बड़ी संख्या में ये मैच ये मुकाबला देखने क्या है। उसके बाद देखिए, उन्होंने दो स्पिनर्स की तारीफ करी, एक तो कुलदीप यादव और दूसरा अक्षर पटेल, दोनों की उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ करी। उन्होंने कहा कि ये दोनों स्पिनर्स थे जिन्होंने हमें मैच में हमारी पकड़ बनाए रखी थी। उसके बाद उन्होंने मुकेश की भी बहुत ज्यादा तारीफ करी जिन्होंने आखिरी बॉल में, आखिरी ओवर में एक इंपैक्टफुल उन्होंने स्पेल डाला था। मुकेश ने अंडर प्रेशर जिस तरीके से कारनामा करके दिखाया था, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए नजर आए डेविड वार्नर। उसके बाद उन्होंने ईशांत शर्मा की बहुत तारीफ करी क्योंकि लगभग 350 दिन बाद वो मुकाबला खेल रहे थे। पिछले ही मुकाबले से ईशांत शर्मा आए थे और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे ईशांत शर्मा पिछले मुकाबले में केकेआर के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि ईशांत शर्मा से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं और ईशांत शर्मा मुझे डे वन से ही कहते हैं कि भाई मैं इस आईपीएल के लिए रेडी हूं, क्या मैं इस आईपीएल के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं हमेशा से उनको कहता हूं कि हां आप रेडी हैं। और वो तो अनफॉर्चुनेट रहे थे ईशांत शर्मा की, कुछ टाइम पहले ही वो बीमार पड़ गए थे, यानी आईपीएल जब शुरू हुआ था तो वो बीमार पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनके हार्डवर्क की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, दाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से बीमार होने के बावजूद भी कंटिन्यूस बॉलिंग करी और इस मुकाम में वो पहुंच गए कि आज इतना अच्छा खासा वो स्पेल डाल रहे हैं। उसके आगे उन्होंने लास्ट में ये चीज कही कि अभी हमारी 2 जीत हुई है, यानी एक केकेआर के खिलाफ और एक हैदराबाद के खिलाफ। अब हम चाहेंगे कि हम इस चीज को कंटिन्यू रखें, यानी 2 जीत नहीं, हमारी 3 जीत, 4 जीत, 5 जीत ऐसे भी हो जाए और अभी भी इस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है, अभी भी हम इस टूर्नामेंट में वापसी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो वार्नर ने दिखाया कि अभी कोई बात नहीं, 2 ही जीत हुई है, अभी आगे हम और भी जीत हासिल कर सकते हैं। इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट डन येट अंटिल इट्स डन, वो वाली चीज़ है। आप कमेंट्स करके अपनी राय बताइए और बताइए आज का मुकाबला आपको कैसा लगा। हैदराबाद के मुकाबले इंटरेस्टिंग नहीं होते, बट आज का मुकाबला आई एम श्योर आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।